पीएम मोदी साथियों अभी अभी बता दें कि बेहद बुरी तरह से भावुक हो गए हैं। साथियों अभी अभी सड़कों पर लाशों ही लाशों का ढेर लगा है। इस तरह की एक दर्दनाक और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों आपको देंगे पूरी जानकारी, निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फतेहपुर के जहानाबाद के चिल्ला बोर्ड के पास तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अभी मरने वालों की शिनाख्त नहीं हुई है। ऑटो घाटमपुरा से आ रहा था। ऑटो में 11 लोग सवार थे तभी सामने से आ रहे टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों और राहगीरों ने दौड़कर घायलों को मौके से उठाया और फिर पुलिस को सूचना दी। वहीं साथियों बात करें इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुए सड़क हादसे अत्यंत दुखद हुए जिसमें जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की पूरी मदद में जुटा है। बड़ी खबर शक्ति निकल कर आ रही है। शेयर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।